डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक बेस्ड सेट आ चुका है। आज आपने बनाया पहला सेट। इसी तरह से आप बनाते रहें और इवैल्यूएट जरूर करें कि आपके कितने स्कोर्स हो रहे हैं, और हम भी आपको इस तरह से इवैल्यूएट कर पाने की स्थिति में होंगे। क्योंकि आप जब बोलते हैं कि समझ में नहीं आ रहा, या हम पढ़ रहे हैं या बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, कुल मिलाकर अगर कहें बहुत अच्छा चल रहा या बहुत खराब चल रहा, इन दोनों का इवैल्यूएशन होता है प्रैक्टिस सेट से कि आपने कितना कुछ अच्छा किया है। तो आज का जैसे टेस्ट आया तो हमारे हिसाब से कम मिनिमम 20 होना चाहिए, मिनिमम 20 होना चाहिए, और अच्छा स्कोर 25 प्लस या 25 के आसपास कहलाएगा। अगर आज आपने इतने स्कोर्स किए हैं तो इसका मतलब है कि आपने उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा था, और मिनिमम 20 होना चाहिए। लेकिन अगर 20 से कम है तो अभी भी टाइम है, हताश नहीं होना, अभी भी टाइम है, इनफ टाइम है। आपके एग्जाम के डेट की घोषणा नहीं हुई, और जब तक डेट नहीं आया मतलब लिबर्टी है कि हम अपने जो छेद हैं, जो होल्स हैं, उसे भर लें, अपनी कमियों को दूर कर लें। इसी तरह से कल भी आएगा 30 क्वेश्चंस का आपका सेट टॉपिक पर बेस्ड, और आप बनाएं और देखें कि इसमें आपके स्कोर्स कितने हैं। ये 13 नंबर एपिसोड पे आएगा। आज हम लोग 14 नंबर कर रहे हैं, जिसमें आज 3 टॉपिक्स हम लोग सब्जेक्ट से ले रहे हैं, और फिर SPD के GK GS और साइंस से। ये कुल मिलाकर अगर इसे अच्छे से आप कर लेते हैं तो आपकी तैयारियों में बहुत अच्छी स्थिति होगी, ये हमारा विश्वास है। आज हिस्ट्री में पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं मध्य एशिया से संपर्क। मौर्य काल के पतन के बाद पूरा भारत एक तरह से शांत हो गया था, बड़ी शक्तियां नहीं थी। ऐसे में सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से, अफगानिस्तान से, इस क्षेत्रों से भारत पर आक्रमण शुरू हो गए, और यहाँ पर 4 बड़े आक्रमणकारी आए। हालांकि उन्होंने आकर के बहुत सारे सुधार किए, और ऐतिहासिक रूप से ये कई बार महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन अंततः ये आक्रमणकारी थे। अब इसमें इंडो यूनानी आए, शक आए, पहलव आए और कुषाण आए। इसमें आप शकों को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, और कुषाण के बारे में रेगुलर प्रश्न आते हैं, ये दो को तो आप जान रहे होंगे। इंडो यूनानी भी बड़े महत्वपूर्ण थे, इन लोगों ने आकर बहुत सारे यहाँ पर सुधार किए, और सबसे महत्वपूर्ण था इन्होंने कुछ नए कार्य किए। हम यहाँ पर इस शब्द का रहस्य उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, चूंकि ये क्वेश्चंस के रूप में दिखेगा। अब हम डिटेल्स नहीं बताएंगे, हम एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करेंगे, चूंकि अब ये क्वेश्चंस के रूप में आपको दिखाई देगा, इसका ही आप जवाब दें, प्रश्नों का आप जवाब देते हैं, और उसके डिस्क्रिप्शन में फिर हम उसके डिटेल्स देंगे। जो भी प्रश्न अच्छे होंगे उससे संबंधित, उसके डिस्क्रिप्शन में 10 सेकंड्स 12 सेकंड्स के हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, उसके डिटेल्स आपके निकल जाएंगे कि उनके आने से क्या कुछ हुआ। तो ये आप स्वयं करें। मध्य एशिया से संपर्क, ये मौर्य काल के बाद जो शुंग, कर्ण और सातवाहनों का था आंतरिक स्तर पर शासन, बाह्य जो विदेशी आक्रमण आए उनमें से ये 4 आए, इंडो यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, 4। तो ये करेंगे मध्य एशिया से संपर्क इतिहास में। दूसरा टॉपिक फिजिक्स से काल शक्ति और ऊर्जा आज हम लोग कर रहे हैं, तो ये आप कर लें। वर्क, एनर्जी और पावर, इनके डिटेल्स लेना है, और इनके यूनिट्स भी समझना है। यूनिट्स आप सदैव करें फिजिक्स में, जब भी करें आपको समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, MgH, इसको समझना है। इसके क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी। उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स एक टॉपिक है, तो टॉपिक्स हो जा रहे हैं, इसे आपको 24 घंटे में कंप्लीट करना है। भारत के राष्ट्रपति, हम लोग संविधान के बहुत सारे पक्ष को कर चुके हैं और काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अब हम लोग भारत के जो स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका करेंगे। इन 3 स्तंभों में पहला स्तंभ है कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, जिसके हेड होते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो आज भारत के राष्ट्रपति आपका पहला टॉपिक है। इन्हें आप समझें कि राष्ट्रपति भारत के कौन बनते हैं, क्या अनिवार्यताएं हैं, क्या इनके चुनाव का तरीका है, कहाँ रिजाइन करते हैं, किसे त्यागपत्र देते हैं, ये डिटेल्स करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। उसके बाद हम लोग SPD से कुछ टॉपिक्स लेते हैं, और हम सदैव कहेंगे कि SPD भी आप रखिए। अच्छा, अगर अलग अलग सेट्स हैं घबराना नहीं है, किसी के पास 1260 हो सकता है, किसी के पास 1320 हो सकता है, किसी के पास 930 हो सकता है, सेट्स की चिंता नहीं करना है, सब बुक एक ही है। लेकिन याद रखें कि पब्लिकेशन सेम हो, ये पब्लिशर वाली भी बुक आ रही है, SPD पब्लिशर, वो थोड़ा सा हो सकता है हमने उसे अंदर में नहीं देखा है, लेकिन ये पब्लिकेशन डिफर हो गया। SPD पब्लिकेशन की बुक हम लोग कर रहे हैं, पब्लिशर की नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने SPD पब्लिशर लिया है, लेकिन जिन लोगों ने ले लिया है अब घबराए नहीं, हो सकता है ये पूरा का पूरा उतार दिया गया हो। तो अगर टॉपिक्स मैच कर जाते हैं, पेजेस मैच कर जाते हैं, कंटेंट्स मैच कर जाते हैं, तो आप उसको लेकर पढ़ें। हम लोगों की किसी के प्रति प्रतिबद्धता नहीं, हमें चाहिए कि बुक्स वो जो हम लोग कर रहे हैं उसमें टॉपिक्स मिल जाए। तो आप ये टॉपिक्स ले लें। 36 और 37 नंबर पेज, 2 पेजेस आज हम लोग कर रहे हैं। अब इन 2 पेजेस में, 36 नंबर पेज पर आप जाएंगे तो विश्व में प्रथम है, कल हम लोगों ने किया था भारत में प्रथम, इसी SPD में आज है विश्व में प्रथम। तो पूरे वर्ल्ड में पहला प्रोजेक्ट कहाँ था, पहले राष्ट्रपति अमेरिका के कौन थे,
सबसे पहला आइटम बम, सबसे पहला प्रक्षेपण, तो ये विश्व में प्रथम आपको करना है एसपीडी के 36 नंबर पेज पे। और 37 नंबर पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर्स हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, महत्वपूर्ण बुक्स एंड ऑथर्स हैं, इसमें एग्जाम्स में आते ही आते हैं, एक बुक आपको दिख ही जाएगा। तो बुक्स एंड ऑथर्स आप करेंगे 36 और 37 नंबर पेज पे। और फिर इसी जीके जीएस से ही हम लोग 10 सेट्स करते हैं। लास्ट में आपको 460 ऐसे मॉडल सेट्स दिखा देंगे। तो 10 सेट्स हम लोग करते हैं, जिसमें आज हम लोग 81 से लेकर 90 10 सेट्स करेंगे। हर सेट में 12-14 वन लाइनर्स हैं। तो ये हो गया जीएस का एसपीडी का कंटेंट जो हमें करना है। उसके बाद साइंस के सेगमेंट में एसपीडी में आज हमने केवल 2 पेज लिया है, स्टार्ट के 2 पेजेस आरआरबी वाले, आरआरबी के जो वन लाइनर्स हैं इसमें आप 2 पेजेस आप करेंगे, 25 और 26 मात्र 2 पेज आरआरबी के वन लाइनर्स हैं। इतना कर ले चुका, ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है। और फिर हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं। तो आज 3 सितंबर और 10 जनवरी का करंट अफेयर्स करना है डेट वाइज। 15 कम से कम इन दोनों के आपको निकालना है, कॉपी में नोट करना है, और 20 कम से कम अलग अलग स्रोतों से आपको करना है। इसे आपको नोट नहीं करना है, केवल आपको पढ़ लेना है 20 करंट अफेयर्स अलग अलग, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। तो ये था आज का दरोगा के पीटी का 16 नंबर टॉपिक, और इसे आपको 24 घंटे के अंदर समाप्त करना है। टेक केयर।